रीवा सुपर स्पेशलिटी के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की एक बार फिर से खुली पोल। बाल बाल बचे मरीज और उनके परिजन। बता दें कि प्रबंधन इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। ताज़ा मामला एक बार फिर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के ओपीडी के सामने आया है, जहां लगाई गई फॉल सीलिंग पूरी तरह से भरभरा कर जमीन में गिर गई। अच्छा तो ये रहा कि हादसा रात में हुआ, वरना एक बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि ओपीडी में सुबह से ही भारी भीड़, मरीज और उनके परिजनों के एकत्रित होने लगते हैं। इस दौरान अगर फॉल सीलिंग गिरती तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हम आपको बता दें कि इसके पूर्व भी कई बार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की फॉल सीलिंग गिरने का मामला सामने आ चुका है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा निर्माण एजेंसी के विरुद्ध अब तक किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब ये समझ के परे है कि आखिर अस्पताल प्रबंधन निर्माण एजेंसी के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है। फिलहाल फॉल सीलिंग गिरने की घटना एक बार फिर सामने आई है और इससे अस्पताल प्रबंधन को लाखों का भी नुकसान हुआ है। इस बार ओपीडी की फॉल सीलिंग गिरी है, जहां सुबह से लेकर दोपहर तक मरीज और उनके परिजनों की भारी भीड़ एकत्रित रहती है। अगर ये फॉल सीलिंग दिन में गिरती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटिया निर्माण क्या इसकी किस तरीके से जाँच करेंगे? जी, हमारे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो अब हमारी जो फॉल सीलिंग्स हैं वो लगातार तक गिरती रहती हैं, तो हम उसका कर रहे हैं, उसको निर्माण और मेंटेनेंस लगातार करते भी रहते हैं, और हम लेकिन वो थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं 5 साल से जो उसका जो पीरियड है 2019 के बाद से, तो वह ख़त्म हो चुका है। तो निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, लेकिन हमने इसके संरक्षण के लिए बजट की भी मांग की है, और हम ऑटोनॉमस बजट से भी निरंतर इसकी मरम्मत कराते रहते हैं आवश्यकता अनुसार।